हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू बाइकर्स वर्ल्ड। तो आज हम लोग देखने जाने वाले हैं मोस्ट यूजफुल थिंग जो कि आपको आपके हेलमेट के साथ पहनना चाहिए। आप कोई भी न्यू हेलमेट लेते हो उसके साथ ये आपको जरूर पहनना चाहिए, जो कि है बलाक्लावा। ये राइडा कंपनी की तरफ से है बलाक्लावा। तो आज इसके बारे में ही हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। ये बलाक्लावा कैसे आता है, इसमें क्या क्या फंक्शन है, वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू के साथ स्टार्ट करते हैं, मतलब आपको जो बॉक्स पे कंटेंट मिलता है वो। तो कुछ इस तरीके से आपको ये पैकेजिंग मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मल्टीपर्पज बलाक्लावा है, मतलब आप मोटरसाइकिल राइडिंग के लिए, स्नोबोर्डिंग के लिए, साइकिलिंग के लिए, ट्रेकिंग के लिए, सबके लिए यूज कर सकते हो, मतलब मल्टी फंक्शनल है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्पेसिफिकेशन कुछ लिखे हुए हैं, मल्टी फंक्शनल वर्सेटाइल स्टाइल्स, हाईली ब्रीदेबल फैब्रिक, क्विक एब्जॉर्बेंट, ड्यूरेबल एंड एब्रेशन रेजिस्टेंट फैब्रिक है ये, सॉफ्ट, रिंकल फ्री एंड लाइट वेट है, फोर वे स्ट्रेचेबल है एंड एक साइज ये जो सबको फिट होगा, मतलब यूनिवर्सल फिटिंग है इसका। फिर अगर बैक साइड पे देखोगे तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, मल्टी फंक्शनल बलाक्लावा, मतलब आप इन तरीके से इसको पहन सकते हो। और यहाँ पे अगेन सेम स्पेसिफिकेशन जो हम लोगों ने पहले पढ़े थे वो। और उसके बाद यहाँ पे इसका प्राइस है जो कि है 349। तो 349 में ये आपको बलाक्लावा मिल जाएगा। तो अभी इसको ओपन करते, ओपन करने के लिए ऊपर आपको एक सील दिया हुआ है, बस आपको उसको निकालना है। एंड अंदर वाले साइड ये प्लास्टिक के बैग में आपको देखने मिल जाएगा। सो अभी देखते हैं। सो जो फर्स्ट इम्प्रेशन है हाथ में लेने के बाद, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है एंड यहाँ पे पोर्स भी है सो दैट ब्रीदेबल रहेगा। आपको छोटे छोटे पोर्स देखने मिल जाएंगे यहाँ पे, ये वाले जो है छोटे छोटे पोर्स है। सो यही पोर्स है इसमें, इसकी वजह से ये ब्रीदेबल रहेगा, एयर वेंटिलेशन प्रॉपर रहेगा इसमें एंड आपको ज़्यादा गर्म भी नहीं होगा। और इसमें अगर पसीना भी हो जाए तो पसीना तुरंत सूख जाएगा क्योंकि इसमें छोटे छोटे पोर्स दिए हुए हैं, मेश जिसको बोलते हैं हम लोग, उस टाइप का ये है। और ये एब्रेशन रेजिस्टेंट भी मटेरियल है। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका जो आइज वाला पोर्शन है इतना ओपन रहेगा। यहाँ पे आपको राइडा का ब्रांडिंग देखने मिल जाएगा जो कि रिफ्लेक्टिव भी है। और ये पीछे वाले साइड से कुछ ऐसा दिखेगा, तो आगे वाले साइड पे ये थोड़ा सा लंबा रहेगा और पीछे वाले साइड पे थोड़ा छोटा रहेगा हाइट में। तो सबसे पहले मैं आपको इसको पहन के दिखा देता हूँ। तो इसको पहनने के लिए जो ये राइडा वाला पैचिंग है ये आपको आपके साइड रखना है और कुछ इस तरीके से इसको पहनना है। तो अभी आप देख सकते हो ऐसे आपको इसको पहनना है एंड कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। जैसे कि मैंने बोला आगे वाले साइड ये पूरा लंबा है तो मेरे नेक को ये पूरा कवर कर रहा है और पीछे वाले साइड नैरो है, इतना सफिशियंट है एक्चुअली। तो कुछ इस तरीके से ये देखने मिल जाएगा आपको एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, परफेक्ट फिटिंग हो रहा है मेरे को। आईज के यहाँ पे भी जितना पोर्शन चाहिए उतना है, प्रॉपर कोई भी इशू नहीं है। आप इसको इवन एडजस्ट भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे एडजस्टमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये एडजस्टमेंट दिया हुआ है। इसको अगर ऐसे नीचे खींचोगे, किसी को आईज के यहाँ पे अगर पास में आता होगा तो आप यहाँ से साइड से नीचे खींच लीजिए इसको, ये प्रॉपरली एडजस्ट हो जाएगा एंड ब्रीदेबल है, कोई भी इशू नहीं आ रहा है, मैं अभी प्रॉपरली बात भी कर पा रहा हूँ। सो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अभी हम लोग देख लेते हैं जो इन्होंने मल्टी फंक्शन लिखा है वो। तो मल्टी फंक्शन में पहले तो ये हो गया, ये दोनों, इसको यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये कान के ऊपर है, यहाँ पे ये कान के नीचे है। तो ऐसे भी रख सकते हो आप इसको कुछ इस तरीके से, कान के नीचे अगर आपको रखना होगा तो। फिर जो थर्ड इमेज है, पहले दो इमेज तो देख लिए, थर्ड इमेज है ये है हाफ वे। तो हाफ वे मतलब ऐसे कर सकते हो आप इसको। देन ये फोर्थ जो इमेज है यहाँ पे, तो इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, इसको पीछे वाले साइड से नीचे ले लेना है ऐसे, और फिर यहाँ से कान के ऊपर ले लीजिए, नीचे भी रख सकते हो या ऊपर भी ले सकते हो इसको। फिर जो इसका फोर्थ इमेज है ये पूरा नीचे आ जाएगा ऐसे, और फिफ्थ इमेज में आपको ये पूरा पीछे देख रहा है, मतलब आपको सिर्फ ऐसे इसको पीछे वाले साइड रखना है कुछ इस तरीके से। तो ये आप इतने मल्टी फंक्शन वेस्ट से पहन सकते हो, जैसा जिसको चाहिए वो। मेनली हम लोग इसको फुल फेस मास्क, एज अ फुल फेस मास्क ही यूज़ करते हैं ऐसे, ये बेटर रहता है। और इसमें आप बाल आपके एडजस्ट कर लीजिएगा प्रॉपर, और फिर ही इसको, फिर इसके बाद इसमें आप ऊपर से हेलमेट पहन सकते हो। तो ये ऐसे आपको एडजस्ट करके लेना है, स्पेशली अगर मिरर रहेगा तो। हमारे यहाँ पे मिरर है तो आप मिरर में देख के स्टार्टिंग में इसको एडजस्ट कर लेना। स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा टाइट रहेगा, तो उसके लिए स्टार्टिंग में आपको इसको प्रॉपरली एडजस्ट करके लेना पड़ेगा, बाद में ये थोड़ा सा लूज हो जाएगा। सो नाउ गाइज विल वेयर द हेलमेट एंड सी कि बलाक्लावा कैसे दिखता है वो।
आप बलाक्लावा के साथ इजीली कोई भी हेलमेट पहन सकते हो, एंड इसके साथ थोड़ा सा और स्नग बैठ जाता है और प्रॉपर फिट बैठ जाता है। तो अभी हम लोग हेलमेट पहन के देखते हैं। सो एज यू कैन सी ये परफेक्टली फिट हो गया अभी हेलमेट, और नीचे का स्ट्रैप भी लगा लेता हूँ तो आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो ये पूरा मेरा यहाँ तक एक पूरा गर्दन इसने कवर करके रखा है, इवन पीछे से भी आप देख सकते हो पूरा गर्दन कवर है, और कुछ इस तरीके से दिखेगा ये। यहाँ पे भी पूरा नाक पे आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो हेड पे भी कोई भी इशू नहीं है, और इजीली मैं ब्रीथ भी कर पा रहा हूँ। स्टार्टिंग में जिनको यू नो टाइट हेलमेट की आदत नहीं रहती है उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, बट एक बार आपको आदत लग गई तो ईजी है। एंड अभी देख लेते कि हम लोग को बलाक्लावा ये क्यों पहनना चाहिए वो। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इसमें आपको एक तो ब्रीदेबिलिटी अच्छी मिल जाती है, इसमें पोर्स भी है तो पसीना या कुछ आएगा तो वो पसीना जो है वो हेलमेट के लाइनर्स में नहीं होगा, पसीना हो गया या फंगल हो गया, क्योंकि हमारे स्कैल्प से भी थोड़ा सा फंगल निकलता है पसीने के साथ, तो आपके लाइनर्स पे नहीं चिपकेगा और आपके हेलमेट के लाइनर्स को नहीं डैमेज करेगा, वो बलाक्लावा पे ही रहेगा। तो इसको आप इजीली वॉश कर सकते हो एंड अगेन वेयर कर सकते हो। रिकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट आप दो एक साथ परचेस कर लो और अल्टरनेट यूज कर लो, मतलब 3 दिन में एक यूज कर लिया फिर इसको धोने के लिए डाला और नेक्स्ट 3 डेज में, हालांकि ये जल्दी सूख जाता है, मतलब आप धोगे तो हार्डली 1 or 2 hours लगेगा इसको सूखने के लिए, बिकॉज ये उतना उसमें इसमें पोर्स दिया हुआ है तो इसमें पानी कहीं पे भी नहीं अटकेगा और पसीना भी कहीं पे नहीं अटकेगा, तो ये एक एडवांटेज हो गया। नेक्स्ट एडवांटेज है कि आप अभी देख रहे हो स्पेशली मुंबई के क्या हाल है कि हर जगह कंस्ट्रक्शन चालू है, उसकी वजह से डर्ट्स रहता है, डेब्रिज रहता है, वो सब हमारे मुंह के अंदर घुस ना जाए राइडिंग करते हुए, क्योंकि हम लोग हेलमेट तो पहनते हैं बट कभी कभी वाइजर ओपन करना पड़ता है, एट दैट पॉइंट बहुत सारा डर्ट्स जो रहता है वो हमारे चेहरे पे चिपक ना जाए या फिर गर्दन पे चिपक ना जाए, तो उसके वहां पे भी ये आपको काम में आएगा। इसकी वजह से आपका स्किन भी डैमेज नहीं होगा, स्किन भी सेफ रहेगा। एंड जिनको डाउट रहता है कि बलाक्लावा पहनने के बाद मेरे को पसीना ज्यादा आएगा या कुछ, तो ऐसा नहीं है, ये वाला जो है इसमें आपको पोर्स देखने मिलेंगे तो इसकी वजह से एयर फ्लो टोटल होता ही रहेगा, तो पसीना आपको आने के चांसेस बहुत कम है, और अगर पसीना भी आएगा तो ये क्विकली ड्राई होगा। वहीं पे अगर आप कॉटन बलाक्लावा देते हो, कॉटन बलाक्लावा में थोड़ा पसीना रह जाता है, वो थोड़ा सा स्मेल भी करते हैं, बट इसमें वैसा इश्यू नहीं है। मैं ये खुद यूज कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट पकड़ लीजिए कि 1 साल से मैं इसको यूज कर रहा हूँ, कुछ भी इशू नहीं है, आराम से एक बलाक्लावा मेरा 1 साल तक चल रहा है। मैं रेगुलर बेसिस पे वॉश करता हूँ उसको, मतलब हर 1 वीक में वॉश करता हूँ, और ज्यादातर करके मैं एक बलाक्लावा एट 1 वीक ही पहनता हूँ, फिर वॉश करता हूँ, तब तक नेक्स्ट वीक के लिए दूसरा बलाक्लावा पहनता हूँ। तो आप भी यही कीजिएगा, यही रिकमेंडेड है। सो हम लोगों ने जितने भी एस्पेक्ट्स थे, जितने भी फीचर्स थे, वो सब इसमें कवर कर लिए। अगर आपको ये परचेस करना होगा तो आप हमारे शॉप से परचेस कर सकते हो विजिट करके, या फिर आप डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो, हम लोग ऑल ओवर इंडिया शिपिंग प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए होगा रिगार्डिंग दिस राइड बलाक्लावा तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, सो दैट हम लोग जब भी वीडियोस डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऐसे ही आपका प्यार बरकरार रखिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, #GearUpYourRide।